हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सीटेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में समस्या आ रही है। आप अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, ये सारी प्रोसेस आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या, ये गूगल का है, देख रहे हैं ये गूगल, इसमें आपको सीटेट टाइप करना है। जैसे ही आप सीटेट टाइप करेंगे तो कुछ इस तरह ओपन होके आएगा, देख रहे हैं ना, ये आएगा ओपन होके। इसको थोड़ा स्क्रॉल करके मैं ऊपर करता हूँ, और ये जो साइट आएगी ना, यही है सीटेट की मेन साइट, और इसमें लिखा होगा seated.nic.in। अब इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम, ताकि समय आपका भी बचे, हमारा भी बचे। अब देखिए, अब सीटेट के मेन साइट पर आ गए हैं। अब इस साइट पर आने के बाद हमें लेटेस्ट न्यूज़ में देखना, लेटेस्ट न्यूज़ ये वाला है, और इसमें आप देखेंगे तो यही दिखाई देगा आपका सीटेट का, ठीक है, यहीं सीटेट का एडमिट कार्ड दिखाई देगा। आप कहेंगे दिख नहीं रहा है, देखिए कभी कभी ये देख रहे हैं ये वाला, इसको हम क्लिक करके देखेंगे। देखिए यहाँ पर दिख रहा है डाउनलोड एडमिट कार्ड। अब इसको मुझे क्लिक करना है ताकि अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकूँ। अब मैंने इसको क्लिक किया, अब देखिए ध्यान से, फिर हम एक बार और क्लिक करना होगा डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर सीटेट, और ये वाला देख रहे हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सीटेट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये सीटेट का एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालकर हम सीटेट का एडमिट कार्ड देख सकते हैं। देखिए कैसे, आइए आपको मैं बताऊँ, ध्यान से देखिएगा, और जूम कर देता हूँ ताकि जो भी स्टूडेंट्स अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उन्हें थोड़ी समझ में आ जाए कि कैसे आपको देखना है। देखिए यहाँ आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है, और ये सिक्योरिटी पिन देख रहे हैं ना, इसको इसमें टाइप करना है, जैसे लिखा है वैसे इसमें भर दीजिएगा, और सबमिट पर इंटर मार दीजिएगा, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम करके देखते हैं ताकि आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, हम करके देखेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है सीटेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है। एक कैंडिडेट है जिसका मैंने सीटेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है, और देखिए यहाँ पर सेंटर का नाम लिखा होगा आपके, और यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर होगा, यहाँ पर रोल नंबर होगा, ठीक है, और यहाँ डेट ऑफ बर्थ होगा, और ये फोटो तो देख ही रहे हैं, और यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा। देखिए पेपर कब है, देखिए 20 तारीख को, 20 अगस्त को, यानी संडे को पेपर है, और पहला पेपर दूसरा पेपर दोनों इस बंदे ने भरा है। सुबह का टाइमिंग है रिपोर्टिंग का 7:30 से, देखिए रिपोर्टिंग टाइम है सुबह का 7:30 और शाम वाला का 12 बजे, ठीक है, और गेट क्लोज़ हो जाएगा 9:30 बजे सुबह, और शाम वाली यानी इवनिंग वाला जो सेकंड शिफ्ट है उसके 2 बजे गेट क्लोज़ हो जाएगी। ये है आपका एडमिट कार्ड, यहाँ पर आपका नाम होगा, फादर का नेम होगा, कैंडिडेट का एड्रेस मतलब आपका एड्रेस होगा, और यह एग्जामिनेशन सेंटर होगा, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बता दूँ, इस एडमिट कार्ड में क्या आपको करना है, ठीक है, आपने एडमिट कार्ड तो देख लिया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा, आपको करना क्या है, अपना एडमिट कार्ड लेके चले जाइएगा, ठीक है, अपना एडमिट कार्ड लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ आपको करना क्या है कि एग्ज़ाम सेंटर पे 1 घंटा पहले पहुंचना है, और ये 3 नंबर वाला पॉइंट बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसमें लिखा क्या है कि आपके पास ब्लू या ब्लैक बॉल पेन लेकर जाना है, ध्यान दीजिएगा, ब्लू ब्लैक, ठीक है, ब्लू और ब्लैक बॉल पेन में से कोई एक लेकर जाइएगा, या 2 लेकर जा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही लेके जाइए। ये आप जेल पेन मत लेके जाइएगा, बॉल पेन लेके जाइएगा, ब्लू और ब्लैक, कोशिश करिए एक से ज़्यादा रहेगी तो आपको फ़ायदा होगा। हो सकता है कभी कभी होता क्या है कि किसी भी रीज़न वजह से वो पेन ख़राब हो गई तो दूसरे पेन तो मांगेंगे नहीं, आपके पास एक्स्ट्रा रहेगा तो आप हेल्प कर सकते हैं, या फिर किसी और की ज़रूरत हो तो उसको भी आप दे सकते हैं, समझ गया। चले समय पर पहुंचना है, अपना आधार कार्ड लेके जाइएगा, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से जो भी हो और अपना लेके जाइएगा, फोटो कॉपी मत लेके जाइएगा, अपना ओरिजिनल लेके जाइएगा, ठीक है, और एडमिट कार्ड अपना निकाल लीजिएगा, और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। हाँ, कोशिश करिए कि सेंटर पे 1 घंटा पहले पहुँचे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये है पूरी प्रोसेस सीटेट का, अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिलहाल इतना ही है जो आपको ज़रूरत है जानने का, और हम आशा करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ गई हो, और आप सभी को शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए और अच्छे नंबर से आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।